पत्रकार भवन को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पत्रकार भवन को आधुनिक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे प्रदेश से आने वाले पत्रकारों को सुविधाएं मिल सके। प्याज भंडारण को लेकर मंत्री शर्मा ने कहा, 7 जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों को प्याज के दामों में 21 दिसंबर तक राहत मिलेगी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन को 30 वर्ष तक की लीज दी गई थी, जो 2015 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद कोर्ट और उसका सब चल रहा था। कोर्ट से जब आदेश उनका खारिज हो गया, उनकी अपील, तो परसों पोजीशन लेके कल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जनसंपर्क विभाग को सौंप दिया है, जिसमें एक आधुनिक मीडिया सेंटर, जिसका मैंने अभी फोटो आपको बताया है, इस तरह का बनेगा। इसकी पूरी प्लान बन गया है और इस मीडिया सेंटर में जो सुविधाएं मिलेंगी, वो एक ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, गेस्ट रूम, आर्ट गैलरी, मीटिंग हॉल, लेक्चर थिएटर, वेबकास्टिंग की सुविधा, जिम, रेस्टोरेंट, शोध और प्रशिक्षण की व्यवस्था पत्रकार बंधुओं के लिए, और सामाजिक गतिविधियों को संचालित हो सके, इसका पूरा उसमें सिस्टम रहेगा। और ये सब चीज़ें जो पत्रकार एम्पलेंट है, उन्हीं के बीच में कोशिश की जाएगी, वो अपना प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि उसके संचालन में सरकार का सहयोग करें, इस तरह की इसमें एक पूरी व्यवस्था होगी। दूसरा दो तीन पॉइंट है हमारे, नहीं पत्रकार बंधुओं के लिए सब रहेगा। जी हाँ, कमेटी बनेगी और वो खुद चुने कमेटी।